हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूँ श्वेता। पिछले साल हुए सबसे हाई प्रोफाइल शादी को लेकर अब एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की शादी की। उनकी चर्चित शादी के पंजीकरण को लेकर सवाल उठ गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों ने 11 दिसंबर को इटली के टस्कनी शहर में शादी की थी, लेकिन अपनी शादी के दौरान ये जोड़ा एक चूक कर बैठा। दरअसल इन दोनों ने रोम स्थित भारतीय दूतावास में इसकी सूचना नहीं दी। ऐसे में इनके विवाह के पंजीकरण में अड़ंगा लग सकता है। इतना ही नहीं, ये अड़ंगा इस हद तक बढ़ सकता है कि इन्हें दोबारा से कोर्ट मैरिज करनी पड़ सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट और अंबाला शहर के निवासी हेमंत कुमार द्वारा विदेश मंत्रालय में बीते 13 सितंबर को लगाई गई आरटीआई के जवाब में रोम स्थित भारतीय दूतावास से 4 जनवरी के दिन जवाब आया है, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि विराट और अनुष्का ने नियमानुसार अपनी शादी के बारे में इटली स्थित भारतीय दूतावास के मैरिज ऑफिसर को जानकारी नहीं दी। हेमंत कुमार के मुताबिक विदेश में शादी करने की सूरत में यह जानकारी देना जरूरी होता है। हेमंत ने आगे बताया, कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश में जाकर शादी करता है तो वह विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के तहत रजिस्टर्ड की जाती है, लेकिन विराट अनुष्का की शादी अधिनियम के तहत नहीं हुई है। ऐसे में अब देश के जिस राज्य में विराट कोहली अनुष्का शर्मा रहेंगे, वहां उन्हें उसी राज्य के नियमानुसार शादी रजिस्टर करवाने के लिए दोबारा विवाह करना होगा। एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि मैंने वकालत के दौरान विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के बारे में पढ़ाई की है, इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि क्या विदेश में भी की गई शादी भारत में रजिस्टर्ड हो सकती है या नहीं, इसलिए मैंने आरटीआई लगाकर विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा। जी हाँ, तो इस खबर में हमने आपको बताया कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी बड़ी दुविधा में फंस गई है। चूंकि भारत में उनकी शादी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, ऐसे में मुमकिन है कि वो जिस राज्य में रहने वाले हैं उस राज्य में उन्हें दोबारा से कोर्ट मैरिज करना पड़े। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन जगत की तमाम खबरें मिलेंगी यहाँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें फिल्मी बीट।